ट्रक में चल गया, उसमें देखे आप सब ठीक हो भाई, हम भी ठीक है, सो के उठ चुके हैं, रेडी होते हैं। आज मेरे को जाना है करोल बाग, क्यों? क्योंकि भाई गाड़ी में काम करवाना, मेरा कुछ एक पार्ट है जो कि आ चुका है और बहुत टाइम से वेट था उसका। एंड बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट्स भी किया था जो भाई ये लगवा लो, मैं कहा चलो आप बोलते हो तो हम लगवा लेते हैं। तो फिलहाल रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ मैं, और मैं नहीं चाहता ज़्यादा इससे ज़्यादा मैं लेट हूँ। बाल बहुत बड़े हो गए, हेयर कट करवाना पड़ेगा मेरे को। और अभी चलो फिर ये तो बाद में देखेंगे, लेट हुआ मैं वैसे भी। नहाते हैं और रेडी होते निकलते हैं। और आप सब पूछते रहते हो जो भाई आप कौन सा सोप यूज़ करते हो, तो भाई मैं आपको बता दूं आज कि मैं आपके सामने ना एक चीज टेस्ट दिखाऊंगा कि जो आप रेगुलर जो साबुन आप यूज करते हो वो हमारे स्किन से ना ऑयल तो रिमूव कर देता है, हमारी स्किन को ड्राई कर देता है, एंड जो हमारे जो नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है उसको भी वो रिमूव कर देता है। इसलिए मैंने एक थर्मामीटर है जो मैं चेक करता रहता हूँ, मैंने मंगा रखा था, आपको चेक करके दिखाऊंगा कि क्या फर्क आता है। अभी देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो ऑयल कितना आ रखा है मेरी स्किन पे। अभी मैं इसके बाद आपको नहा के दिखाऊंगा और इसी थर्मामीटर से मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, आपको खुद फर्क दिख जाएगा। तो इसलिए मैं यूज करता हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइजर लोशन सोप, एंड एक है ये मामा अर्थ का उपटन मॉइस्चराइजर लोशन, और इसके अंदर है विटामिन सी एंड हनी जो आपकी स्किन को भाई, और विटामिन सी मॉइस्चराइजर लोशन सोप के अंदर है विटामिन सी एंड हनी जो आपकी स्किन को डीप क्लीन करने के साथ साथ आपकी स्किन को ग्लो करता है और साथ ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। सो मैं फिलहाल नहा लिया, एंड एक बार से फिर यूज करते हैं इस मीटर को और ये देखते हैं क्या दिखाता है स्किन पे। ये देखो, सो भाई फिलहाल रेडी हो चुके हैं और आपको मैंने यूज करके दिखा दिया थर्मामीटर। अगर आपको भी प्रोडक्ट ये तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके वहां से परचेस कर सकते हो। इसके अलावा मामाअर्थ की ऑफिशियली वेबसाइट या ऐप से इनको परचेस करते हो और मेरे कूपन कोड यूज करते हो अज्जू 2024 तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा ये आपको अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट पे इजिली मिल जाएंगे और आपको नियर बाय स्टोर पे। अगर आप मामाअर्थ की ऑफिशियली वेबसाइट या ऐप से कोई भी ऑर्डर परचेस करते हो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं एक ट्री से, जिसको आप ट्रैक भी कर सकते हो। और मामाअर्थ का एवं 2025 तक 1 मिलियन ट्री को प्लान करने का, सो वेट मत करो, एक बार जाके यूज करके देखो, एक बार यूज करके देखो, तुम्हारा भाई बोल रहा है, एक बार ट्राई करके देखो, आपको जरूर फर्क दिखेगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक हो भाई, नहा के रेडी हो चुके हैं, एंड फिलहाल चलते हैं भाई विकास भाई के वहां पे, क्योंकि वहां पे आ रखा है पूरा अपनी गाड़ी को छोड़ने के लिए। तो पूरा को फोन आया क्या भाई आज, मैं चलो आते हैं भाई। एंड भाई आप तुम्हारे भाई ने बहुत टाइम बाद शर्ट पहनी, क्योंकि इतनी ठंड है नहीं यार, इस चक्कर में हमने चाबी दे दी गाड़ी भाई। और आज मुझे ना एक बार करोल बाग जाना था भाई कॉल भैया के वहां पे, क्योंकि मेरे को इस गाड़ी में थोड़ा सा काम और करवाना था, सामान लगवाना था, बट यार आज हो ही नहीं पाया। फिर मैंने बोल दिया था कॉल भैया ने कि आ जाना, बट मैं उठाई लेट तो सोके, फिर मैं यार अब ऐसे भी लेट हो गए और फिर काम बहुत बड़ा है, लंबा है, मतलब लंबा प्रोसेस उस काम का, तो इस वजह से हमने अभी उस काम को थोड़े दिन के लिए ड्रॉप कर दिया। मतलब कल शायद कल चला जाऊँ या परसों चला जाऊँ, जब आप ब्लॉग देख रहे हो। पूरा जाने को डगामा गाड़ी ले रहा मैं डिफेंडर भाई। मैं दूसरा गाना जो आ रहा है मेरा, जो मतलब पहला आएगा अभी, मतलब बेसिकली वैसे दूसरा है, बट हाँ जो अभी जो गाना आएगा तो वो डिफेंडर को ही लेके है, एंड बहुत अमेजिंग गाना है भाई, बहुत अमेजिंग। आप जब सुनोगे ना उसी पे सब काम चल रहा है। ए कहाँ जा रहे हो? आता तुम्हें, आ जा आ जा भाई, पूरा चला रहा BMW विकास भाई वाली। मतलब इनके क्या, अरे उठ के बात कर, खड़ो के खड़ो के बात कर। भाई बताओ कहाँ भाग गए? मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा। भाई ये खड़ी है पूरा की गाड़ी 330i, LI नहीं है ये, पुराना वाला वेरिएंट GJ 777 है, जेम्स बॉन्ड हो रहा है कहाँ है यू। गाड़ी वाले जो थार के अलग है ना, ओहो मुझे टायर भी देखने भाई, टायर साइज क्या है, कहाँ है वैलेंटाइन डे। हेलो सब आदा स्लैब डे, स्लैब डे, स्लैब डे भी बनता है मेरा। अरे बदमाश क्या हाल है, हाउ आर यू? और गाइस और भाई कैसे हो? भाई मैं गाड़ी, क्योंकि गाड़ी है सच्चा अंदर वाला यार परेशान है। अच्छा अकेले खा लिया? नहीं खाना नहीं भाभी, जूस बनवा दो मेरे लिए। मटन है वो भी कश्मीरी भाई, मैं खाऊंगा ही नहीं ना भाई, मैंने रोटी खा के आया हूँ मैं घर से। जो चीज मेरे को पीनी है वो पिलाओ ना, जबरदस्ती दारू पिला रहे यार। चलो मनाली अज्जू भाई, वापस मनाली चले। चल भाई मैं कह रहा हूँ मनाली चले। एवर रेडी भाई। कितने दिन रुके? 2 दिन और मजा आया? 3 दिन मजा आया। ओ तेन देख रहे वीडियो, परेशान नहीं हुए? नहीं ज्यादा हो गई थी यार भाई, मैं मजा वो
नहीं ये पहुंचा भी लेट, ये सबसे लेट है। हाँ बर्फ तो तुम 3-4 दिन पहले से पड़ रही थी ना। नहीं बर्फ तो मैं लेके आया था। भाई सबसे बेस्ट चीज है आप कभी भी डिटेलिंग ट्रेवल्स आप आओ रेड कार्पेट पे तो आपको मिलेगा ये जूस पीने को, मतलब ये आप ना ऑन ऑर्डर ही कर सकते हो। और अशोक भैया हाँ वैलेंटाइन डे मनाना है ना, यही बोलना चाहते हो ना, और कुछ बोल लो। अभी चल रहे कल परसों में चलो ऐसे झूठ बोल रहे डिफेंडर से चले। हाँ हाँ गाड़ी से जाएंगे तुम्हारा सही यार। हाँ हाँ हमारी लाइफ फन है टॉमी, तुम बढ़ रहे हो हिमाचल के। तो भाई फिलहाल पहुंच चुके हैं जिम में, एक्सरसाइज लगाते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स लगाने हैं। ये वैलेंटाइन डे वाले हैं, अब ये करो जल्दी करो एक्सरसाइज, हमें वैलेंटाइन डे पर जाना है। ऐसा लग रहा है करवा चौथ का व्रत खोलने जा रहे हो। सो अभी तक जो आपने क्लिप देखी होगी भाई वो देखी होगी कल की। मैं आपको बता दूं मैं भाई अभी फिलहाल जा रहा हूं भाई करोलबाग, क्योंकि मेरा एक सामान है जो कि कवल भैया के वहां पे आ चुका है एंड भाई बहुत बड़ा पार्ट है, समझ के बात कहो। अब इसको फिटमेंट में देखो 1-1.5 घंटा तो जाएगा ही जाएगा, तो फिर मैंने कहा चलो चलते करवा के आते हैं। आ तो वो कल गया था, फिर मैंने कहा आज चलते हैं। और वैसे भी मैंने कल पूरा ब्लॉग बनाया भी नहीं था, क्योंकि वैसे ज्यादा शूट करने को कुछ था भी नहीं, तो इस वजह से मैंने ज्यादा शूट नहीं किया। और जब आपका दिमाग बिल्कुल सेंटर में रहता है तब आपका शूट करने का मन करता है, जब नहीं रहता तो नहीं करता। फिर कल मेरे को जाना था एक इवेंट में जो कि है भाई DTU दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में, वहां पे मैं आ रहा हूँ। आप सबको नहीं पता तो मैं बता दूं आपको, कल वहां पे मिलते हैं। इसके अलावा शेर है ना, तो अभी चलते हैं भाई करोलबाग। मेरे को पता ट्रैफिक जाम तो मिलेगा ही, बट भाई झेल लेंगे ना। अब गाड़ी का लुक ना और इनहेंस हो जाएगा और भाई गाड़ी आगे से मॉन्स्टर बन जाएगी। वो एक पार्ट है और वो पार्ट मैं काफी टाइम से सोच रहा था मंगाने के बट अब फाइनली आ चुका है। और जब वो लगेगा ना वो पार्ट, तुम भी देखना कि अच्छा भाई क्या तगड़ी लग रखी है। ठड्डी गाड़ी ठड्डे छोरे हरियाणा की शान है। भाई जब आप गलती से ना गलत टाइम पर निकल जाते हो तो आपके साथ यही होता है। भाई मैं पिछले 33-34 मिनट से ऐसे ही चल रहा हूँ बिल्कुल प्यार से। ऑलमोस्ट मैंने कितने कवर किए होंगे, मात्र 5-7 किलोमीटर। बुरा हाल हो रखा है भैया ट्रैफिक का तो। आज किसी ने मुझे पूछा क्या तू खुश है, मैंने बोला मैंने सीख ली है एक्टिंग बिना किसी कोर्स के, पान अंदर हंसूं जोर जोर से। पहले तो खर्चा कर लो कुछ है? ट्रक की बान लग रहे हो कैसे करेंगे? मैं मोटा खर्चा ही करेंगे, हलकत कराएं ना भाई। देखियो भीड़ तो पूरी करवा रहे हैं पाजी, आज तो मैं सीधा आ ही गया। मैं कहा चलो आज पाजी को परेशान मत करते, सीधे गाड़ी बढ़ा ही देते हैं। मैं नहीं आज वैसे रश नहीं है, रश रोड पे क्रूल पार्क में तो रश रहता ही है हमेशा, बाहर नहीं मिला हुआ। मेन रोड पे नहीं था, मेन रोड पे। हाँ और भैया कैसे हो, क्या क्या करवा रहे हो आज? जो टैग कर रखा था जिसमें ऐसी चीज लगा रहे हैं हम लोग डिफेंडर में, शायद किसी ने अभी तक देखी नहीं होगी इंडिया के अंदर। अच्छा तो बाहर किसी डिफेंडर में देखी हो तो पता नहीं मुझे। चलो दिखाओ क्या चीज थी ऐसी। अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग उरा, ये तो भाई बहुत बड़ा ना है, जितना बड़ा डब्बा है उतना ही महंगा माल है। डब्बे के हिसाब से महंगा है, डब्बे के हिसाब से महंगा है। गैस करो 0008। हाँ जी ये पोस्ट चल रही है मेरे पेज पे। हाँ अभी मैंने शेयर तो की थी इंस्टाग्राम में, भाई जाके गैस करो क्या है। कुछ लोगों ने सही अंदाजा लगा लिया, कई लोगों ने निकाला। हाँ लोगों ने। भाई अनबॉक्सिंग होने लगी चीज की, लेके जाना है। भाई अनबॉक्सिंग होने लग गया है, एकदम से जब लुक दिखेगा मैं भी कड़क आप सकता हूँ। ओ भाई पाजी बॉनट है, पाजी बॉनट ये पूरा है, ये ऊपर माउंट वाला चीज नहीं है भाई, बहुत प्यारा है बॉनट है पाजी पूरा। बट हाँ यहाँ से तुम देख रहे हो इसकी फिनिशिंग, छोड़ छोड़ छोड़। तो पहले तो वो वाला खुलेगा स्टॉक वाला, उसके बाद लगेगा। बहुत प्यारा है फिनिशिंग देखो इसकी, बट इसकी PPF करानी पड़ेगी मुझे, PPF करवा लूंगा। बट एक चीज बताऊं पाजी, एक चीज बताऊं आपको, सब लगा रहे थे इसके ऊपर चिपकने वाला, बट पाजी ने स्पेशली अरेंज किया है कि पूरा ही बोनट, पूरा बोनट मतलब ये स्टॉक वाला हट जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा कार्बन फाइबर वाला,
मतलब सब जो लगा रहे थे वो था कि जो माउंट होता है इसके ऊपर चिपक जाएगा और उसको अलग से है, बट ये पूरा ही बोनट चेंज होगा। लो भाई अपनी गाड़ी का मुंह तो उतर गया। पप्पू भैया गलत कर दिया तो मुंह उतार के मेरी गाड़ी का ना, मुंह ही चेंज कर दिया। बट भाई सच्ची में ये पूरा वो नहीं है, मेटल नहीं है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, मेटल नहीं है, कौन सा है, लोहा नहीं है ना, लोहा नहीं है जो उसको ऊपर का जो लोहा नहीं है वो है एल्युमिनियम। अपनी गाड़ी से जो फिटिंग थी ओरिजिनल वो निकल के उस वाले में लग जाएगी तो लोग बिल्कुल परफेक्ट आ जाएंगे। भाई दिखाऊं भाई ये लग गया वापस से जितने ब्लॉक थे, पप्पू भाई पेट आ गया ऐसे सामने ये लग गया, तो मतलब जो इसकी फिटिंग थी सेम निकल गया उसमें लग गई। ये देखो ये जो ओरिजिनल फिटिंग है उसमें लग गया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट हो गई है। सो भाई बोनट अपना आ चुका है। ले भाई भाई फिलहाल बोनट हो चुका है अपना फाइनली फिट, और भाई क्या फिटमेंट है। पप्पू हाँ पप्पू भाई हायर करना पड़ेगा उनको आपको ना, अच्छा भाई क्या फिटमेंट आई है देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल इसकी टांग मतलब ऑनेस्टली बहुत तगड़ी लग रही है। अब देखो आप रियल में देखोगे तो आपको पता लगेगा गाड़ी का लुक, वीडियो में उतना आपको लग नहीं रहा होगा, एक तो अंधेरा वैसा हो चुका, बट ये ऑरिजिनल कार्बन फाइबर है ये आपको यहाँ से पता लगेगा। देखो बट इसकी पीपीएफ करवानी पड़ेगी मेरे को, वरना तो इस पे स्क्रैच बहुत लग जाएंगे। हाँ पीपीएफ करानी पड़ेगी। तो भाई फिलहाल ये फाइनल लुक आया है, ये आपको मैं दिन में दिखाऊंगा। हाँ भाई गए तो दिन में दिखाऊंगा, बट सीरियसली मैं बताऊँ बहुत तगड़ी गाड़ी लग रही है। जैसे गाड़ी फेमस होती है ना, जैसे मैंने गाड़ी फेमस करी है ऑलमोस्ट, भाई को वो जो बताया बहुत लोग बोलोगे नहीं चलो मैंने नहीं करी मानी, बट एसेसरीज भी ऐसी लग रही है कि जो पहले किसी में नहीं लग रही है। आपकी गाड़ी जो चीज भी हुई आपकी गाड़ी में पहली बार हुई है और उसके बाद मार्केट में फैलती है। बट भाई रियल में अगर कोई डिफेंडर लवर है और जिसको लगता है ना कि उसकी गाड़ी की मतलब इतना प्यारा लग रहा है, आप लगवा सकते हो। ऑनेस्टली बताऊं मैं अपने पर्सनल व्यू से बहुत प्यारा लग रहा है और लगाने वाले ये रहे। भाजी ऑन ऑर्डर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको भी चाहिए मुझे पहले व्हाट्सएप डाल दे, तो ये दो दिन में अरेंज हो जाएगा, दो दिन में अरेंज हो जाएगा बोनेट है भाई। ये रहा वो पाजी का ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम, अन भाई पाजी का नंबर दिखा दूं मैं आपको, बाकी स्क्रीन पे शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिलेगा उसी पे व्हाट्सएप डाल दो बेटर रहेगा, बेटर रहेगा। बट ऑनेस्टली अगर डिफेंडर की सारी देखो, रूफ लाइट भी यहीं लगी है, बॉक्स भी यहीं लगा है, इंटी मैट भी यहीं लगे हैं, और भाई जो भी मतलब लुक आ रही है ना गाड़ी की खुल के, और व्हील आर्चेस भी यहीं लगे पाजी के पास ही, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें यहीं पे लगी छोड़ के, बस लेडर को पाजी के पास लेडर बॉक्स भी आपने लगाया था, सब कुछ मतलब डिफेंडर का मतलब जो मारी करोल बाग में जो पार्ट्स आए थे वो पहले यहीं पे आए थे। पाजी कैसी लग रही है ऑनेस्टली रिव्यू? बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छी लग रही है, पहले तो बहुत बेटर लग रहा है, मतलब एक लुक देख देख के ना हाँ, मैं आज यही बोल रहा था, मगर गाड़ी का फेस चेंज होता रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं आ चुकी हुई है और बहुत प्रीमियम लग रही है, जहाँ पे जब लोगो लग जाएगा ना डिफेंडर, हाँ डिफेंडर का लोगो लग जाएगा बहुत कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बट लोगो मैं अभी लगवाऊंगा, कल लगवा लूंगा या फिर परसों लगवा लूंगा। हाँ पीपीएफ उसको लोग काला कर देंगे, पीपीएफ आएगा ना इसमें हो जाएगा ना, पीपीएफ हो जाएगा। हाँ। भाई मैंने ना मैट भी चेंज करा दिया है एंड इसमें कर्टन्स लगे क्योंकि गर्मी आ गई है भाई, और ये तो बहुत ज़रूरी है। और भाई कल इस पर कल परसों में इसमें मैं फिल्म चढ़वा दूंगा, और पाजी के पास एक ऐसी फिल्म आ चुकी है जो कि अलाउड है, जिसका सर्टिफिकेट लगाएंगे गाड़ी में। हाँ तो हमने भी नहीं लगाई बोली, और फिर इसके बाद कर्टन्स लग जाएंगे तो गाड़ी पे ये है कि हाँ धूप से बचने को, अब आप तो आपको समर्स आ जाएंगे फिर तो भाई सब गाड़ी में बैठना हो जाएगा भारी काम। और मैट भी देखो इंटीरियर से मैच वाले आ गए फिर से, वही मेरे को यही पसंद है, मैंने पाजी यही बनवा दो तो इसलिए बना दे भाई। और जो है मैट की ना एक लाइफ होती है, लोग हमें कहते हैं जी मैट हमने लिया वो घिस गया साल डेढ़ साल दो, देखो जितनी यूज होगा जितनी यूज होगा उतना करने पड़ते हैं, नहीं ये तो रहने दो जो रखे वो तो रहने दो। मैं सॉरी पाजी लास्ट टाइम भी पाजी के पास लेके गए तो ऑलमोस्ट एक साल हो गया इनको, एक साल हो गया, छह सात महीने देखो देखो जितना दिन निकलेगा लगेगा उतना ही खराब हो जाएगा, आपका सीजन निकल जाएगा गर्मी होगा। हाँ उसके बाद आपको फिर नए सीजन में लेना पड़ेगा, बैंड हो जाते हैं खराब तो क्या ही होता है बस, जब निकाल के रखा हमने लेफ्ट पैड हाँ। तो ऊपर बैठी है तो खराब हो जाएगा। भाई इस गाड़ी ने मांग लिया पेट्रोल तो इसको खाना दे रहे हैं, मगर तू खा पहले ना भाई, खाना भी तो कम से कम आएगा इसमें 7,000 रुपए के आसपास। तो भाई हिमांशु कैसे लग रहा, सही बताया ऑनेस्टली रिव्यू तगड़ा लग रहा ना, गाड़ी लुक इनहेंस हो गई है, अभी बोनट निकालना है हमें भाई, आराम तो निकाल नहीं नहीं लिखा है तो हाँ ये नहीं लिया है मैं यार, सही है कर, कल परसों इस पर फिल्म भी चढ़ जाए गाड़ी पे, जेड ब्लैक हो गई, हाँ जेड ब्लैक करवा दो बस। विकी टेल मी ब्रो ऑनेस्ट रिव्यू टू गुड पहले वाले से, टू गुड टू शो, अब इस पर बस लिखवाना, अगर डिफेंडर लिखवाना है लोगो लगवा दो ना, डिफेंडर लिख लो जो
या वो रहने दो अमन की तरह एफ हटा दे अमन का ऐसा हाथ लगवाना ऐसे एफ निकल गिर गया डिफेंडर कोई अब जब अपन पीपीएफ फिर करोगे आगे वजह से एफ एक ऊपर लग रहा है नीचे तक करो अच्छा ऊपर ही चल रहे हैं ऑनेस्टली भाई बहुत कैट लग रहा है बट दिन में देखेंगे कैसा लुक आएगा।